एक गले का डिज़ाइन और इसमें ढेरों नए नए आइडियाज़, ढेरों नए नए स्टाइल्स, फ्रंट पट्टी हो, उसको लगाने के इतने ज़्यादा तरीके, चाहे कटवर्किंग से लगाएं, चाहे लेसिस से लगाएं, पिन टेक से लगाएं, जॉइंट लेसिस से लगाएं, तो इसके लगाने के बहुत ज़्यादा तरीके, और एक ही गला होता है जिसको आप हज़ारों तरीके से एक नई लुक दे सकती हैं। तो इस वीडियो में आपको वह तमाम आइडियाज़ दिखाए जाएंगे कि अगर आपने फ्रंट पट्टी बनानी है या वी पट्टी बनानी है तो उसको आप कितने ज़्यादा तरीक़ों से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको 100+ डिज़ाइंस इस पट्टी के हवाले से देखने को मिलेंगे। काफ़ी डिज़ाइन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही खर्चे के बगैर हैं, जैसे कि बीड्स के साथ हो गया। बीड्स आपको पता है, एक दफ़ा आप चेन ले लेंगी तो उससे आप काफ़ी ड्रेसेस के साथ डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। और इसी तरह एंकर थ्रेड के साथ भी आप ऊपर सलाइयाँ लगा के, सिर्फ सिंपल सिलाई मशीन से सलाइयाँ लगा के ही आप इतने प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बना सकती हैं। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो ज़रा भी स्किप करने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं कितने ऐसे डिज़ाइन हैं जो पहली नज़र में ही पसंद आने वाली हैं। तो इसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूं कि ये सब डिज़ाइन जो है, बड़ी मुश्किल 3 सेकंड के लिए एक डिज़ाइन रहेगा। आप लोगों ने क्या करना है, जो डिज़ाइन अच्छा लगे उसको अच्छी तरह देखना है, उसमें कौन सी लेस यूज़ की गई है, कौन सी साइज़ की है, कौन से बीड्स यूज़ किए गए हैं, क्योंकि जो समझदार लेडीज़ हैं उनको तो कोई मुश्किल नहीं होती, पहली नज़र में ही पहचान जाती हैं इसमें किस तरह से वर्किंग की गई है, कैसे स्टिचिंग की गई है। लेकिन जो बिगनर्स होती हैं उनके लिए ये है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि छोटी सी वीडियो होती है और वीडियो में आप लोग उनके लिए इतने सारे डिज़ाइंस मैंने निकालने होते हैं, उसमें वीडियो में एडिट करने होते हैं, तो अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग उनके लिए छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ, और आप लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो वॉच करते हैं, वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं किया करें, देखिए मेरी भी मेहनत होती है, मेरा भी दिल दुखता है, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते इतनी सी वीडियो के पीछे भी हमारी कितनी मेहनत होती है। हमारा पूरा दिन लग जाता है, पहले तो टॉपिक सोचने में, फिर वीडियो एडिट करने में, फिर प्यारे प्यारे से थंबनेल्स बनाने में, ताकि आप लोगों को एट्रैक्टिव लगे और आप लोग थंबनेल देख के जो है वीडियो को क्लिक करें, क्योंकि अगर थंबनेल नहीं अच्छा होगा आप लोग क्लिक ही नहीं करते। जाहिर सी बात है, एक चीज़ अगर अंदर से बेशक इतनी भी प्यारी है, बाहर से उसकी लुक ही नहीं प्यारी, तो किसी का दिल नहीं करता, चाहे वो कोई ड्रेस हो, चाहे वो किसी शॉप से कुछ खाना पीना हो, या चाहे वीडियो हो। हम लोग जो है वो बाहर की लुक के बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, तो इसीलिए मैं प्यारी प्यारी सी थंबनेल बनाती हूँ, प्यारी सी वीडियो एडिट करती हूँ, प्यारा सा वॉइस ओवर करती हूँ। और हाँ, आप लोगों को इसमें से कौन सा डिज़ाइन पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। इनमें से आपको, आई होप आपको ये सारे डिज़ाइन बहुत पसंद आए हैं, लेकिन जो भी पसंद आया आप मुझे इसका कलर या उसका साइज़ बता के, किस तरह से इसमें साइज़ में बीड्स लगे हैं और कौन सी लेसेज यूज़ हुई हैं, आप उस तरीके से मुझे बता सकती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग अच्छा सा फीडबैक देंगे, और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी, नई नई वीडियो के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।